हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि सैमसंग का जो G2 जो हैंडसेट है, इस पर जो FRP लॉक जो गिरा है, तो FRP लॉक किस तरीके से जो हटाना है, इसके बारे में हम आज जो है तो चर्चा करने वाले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको जो है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हमारे जल्द से जल्द मिल सके। तो G2 का जो हैंडसेट है आप देख रहे हैं, इस पर जो है तो FRP लॉक गिरा है, आप देख सकते हैं आपके सामने ही है। इसे जो है तो किस तरीके से हटाना है, इसके बारे में हम आज जो है तो चर्चा करने वाले। सबसे पहले तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद से जो है तो आपका जो वाईफाई है, तो वाईफाई यहाँ से आपको कनेक्ट कर लेना पड़ेगा। मैं जो है तो ऑलरेडी वाईफाई मैंने कनेक्ट कर लिया है, कनेक्टेड सचिन, देख सकते हैं आप, ओके। और इसके बाद जो है तो आपको टॉक बैक जो सेटिंग होती है इसमें तो ऑन कर लेना है। उसके लिए आपको जो है तो होम का जो बीच में का की होता है, इसे जो है तो 3 बार दबाना है, 1 2 3। जैसे ही आप इसे दबाते रहेंगे तो 3-4 बार, तो इसका टॉक बैक सेटिंग जो तो ऑन हो गया, देख सकते हैं आप, ओके। इसके बाद जो है तो आपको एल प्रेस करना है इस टाइप से, एल, ओके। इसके बाद जो है तो टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग, उसके बाद इस सिंबल पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे, यहाँ पर। उसके बाद में जो है तो टॉक बैक जो है तो हम जो है तो ऑफ कर लेंगे यहाँ से। इसके लिए जो है तो आपको जो है तो वही 3 डॉट्स जो है तो दबाना पड़ेंगे यहाँ से, यहाँ पे, सॉरी, ये वाला की जो है तो आपको 3 से 4 बार दबाना पड़ेगा, 1 2 3 4, ओके। टॉल बैक डिसेबल हो गया है अभी। उसके बाद में जो है तो आपको इंस्टॉल वॉइस डाटा पर क्लिक करना है। उसके बाद में मोर, ऐसे आप देख रहे हैं मोर, यहाँ पे मोर पर चले जाना है आपको। ओपन सोर्स लाइसेंस लोडिंग, उसके बाद में यहाँ से आपको प्रेस करना है कोई भी की। उसके बाद सर्च पर चल जाना है आपको, यहाँ पर जो आपकी जो कीवर्ड्स है, तो इसे जो है तो आपको क्या करना है, प्रेस करके रखना है। उसके बाद भी सर्च आपको दिखेगा, आपके सामने आ जाएगा सर्च का ऑप्शन, तो आपको सर्च पर चल जाना है यहाँ से, ओके। आपके सामने जो है तो गूगल जो है तो ऑन हो गया है अभी। इसके बाद जो है तो आपको यहाँ से जो है तो यहाँ से आपको जो है तो 2 ऐप्स जो है तो डाउनलोड करना पड़ेंगे। फर्स्ट ऐप जो है तो वो ये है कि गूगल अकाउंट मैनेजर, तो आपको ऐसे जो है तो 2 ऐप्स जो है तो डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, गूगल अकाउंट मैनेजर 5.1.1, 5.0, ये 2 ऐप्स जो है तो आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे जो है तो यहाँ से बता रहा है, ओके, यह एक ऐप। और उसके बाद जो दूसरा ऐप है, तो आपको दूसरा ऐप क्विक शॉर्टकट मेकर, ओके। तो आपके सामने आ गया ऐप क्यूब शॉर्टकट मेकर 2.4.0 वाला जो ऐप है, तो आपको ऐसे जो है तो डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो मैंने दोनों जो है तो ऐप्स जो है तो डाउनलोड कर लिए, तो मैं सीधा जो है तो फाइल मैनेजर में चले जाऊँगा, सॉरी, इसे जो है तो OTG तो कनेक्ट कर लूँगा, ऐसे देख सकते हैं आपके सामने मैं OTG लगाऊँगा, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं आप, OTG मैं इसे कनेक्ट कर लूँगा। मैंने जो है तो डाउनलोड दोनों जो है तो कर लिए है, क्यूब शॉर्टकट मेकर और गूगल अकाउंट मैनेजर 5.0 वाला, तो मैं फाइल मैनेजर में डायरेक्टली चले जाऊंगा, ओके। उसके बाद में USB स्टोरेज ये, उसके बाद यहाँ पर दिख रहे होगी आपको नीचे जो है तो 3 से 4 जो है तो ऐप्स जो है तो 2 मेरे काम के, ऐसे क्विक शॉर्टकट मेकर 2.4.0 और उसके बाद में गूगल अकाउंट मैनेजर ऊपर वाला ऐप, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप जैसे इन ऐप्स को जो है तो डाउनलोड कर लोगे, तो उसके बाद जो है तो दोनों ऐप्स को जो है तो आपको जो है तो इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है तो आपको जो है तो गूगल अकाउंट मैनेजर 5.0 वाला ऐप जो है तो इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। सेटिंग, अननोन सोर्सेस, ओके, इंस्टॉल। अभी गूगल अकाउंट मैनेजर 5.0 वाला ऐप जो है तो इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। डन। उसके बाद में क्विक शॉर्टकट मेकर वाला जो है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है अभी। सेटिंग, अननोन सोर्स, ओके, इंस्टॉल। इसे जो है तो आपको जो है तो ओपन कर लेना है अभी, ओपन। उसके बाद में इसमें टाइप करना है आपको इनपुट कीवर्ड टू फिल्टर में गूगल अकाउंट,
तो आपके सामने आ जाएगा, आप एक ही नंबर पर आप देख सकते हो गूगल अकाउंट मैनेजर इशू जो है, तो आपको क्लिक कर लेना है इस पर। उसके बाद में यहाँ से जो है तो आपको पाँच नंबर वाला जो है तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कौन सा वाला, पाँच नंबर वाला, 1 2 3 4 5, यहाँ पर देख सकते हैं आप गूगल अकाउंट मैनेजर। ओके, उसके बाद में जो है तो आपको ट्राई पर जो है तो क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। ब्राउजर साइन इन, ओके ओके साइन इन, ओके। तो यहाँ पर जो है तो आपका चालू जो ईमेल है तो आपको यहाँ पर जो है तो डाल देना है, जो आपका चालू जो है तो एक्टिव जो आईडी है आपका जीमेल आईडी, तो मैं यहाँ से डाल दूंगा। एक मिनट, चालू जीमेल आईडी, चालू जीमेल आईडी जैसे आप डालोगे उसके बाद में आपको पासवर्ड डाल देना है और साइन इन पर क्लिक कर लेना है। ओके, तो पासवर्ड रॉन्ग बोल रहा है। ओके, मैं सही पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ से, एक बार साइन इन, वन मोमेंट प्लीज साइन इन। ओके, क्या बात है, अभी जो है तो साइन इन अकाउंट इसमें जो है तो हो रहा है, जो गूगल अकाउंट जो है मेरा तो इसमें जो है तो अभी सक्सेसफुली साइन इन हो गया है। इस जो यह जो हैंडसेट है तो इसमें जो है तो गूगल का अकाउंट जो है मेरा तो साइन इन हो गया है अभी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो है तो हैंडसेट को जो है तो रिस्टार्ट कर लेना है ऑफ की दबा के, रिस्टार्ट, यहाँ पर देख रहे हैं आप रिस्टार्ट। रिस्टार्ट कर लेना है आपको यहाँ से हैंडसेट, रिस्टार्ट। ओके, हैंडसेट जो है तो पूरा जो है तो अभी हैंडसेट का जो डाटा है पूरा तो डिलीट हो जाएगा और उसके बाद में फ्रेश हैंडसेट जो है तो अभी लॉन्च होगा। जो पुराना जो डाटा था तो पूरा इरेज हो जाएगा, जो नया जो डाटा रहता है कंपनी का वो जो है तो इसमें आ जाएगा। तो वीडियो जो है तो आप पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको जो है तो पूरा प्रोसेस समझ आए। ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। आपको जो है तो दो ऐप्स जो है तो डाउनलोड करना है, हैंडसेट जो है तो अभी देख सकते हैं आप ऑन हो गया है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आपको यहाँ से। ओके, इंसर्ट सिम कार्ड बता रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्री, चेकिंग कनेक्शन, सॉफ्टवेयर अपडेट, नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है आपको यहाँ से। अकाउंट जो है तो ऐड हो गया है हमारा इसमें, स्किप स्किप एनीवे, मोर, नेक्स्ट नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी जो है तो स्किप कर लेंगे हम इसे भी। स्किप स्किप, ओके, सेटअप कंप्लीट हो गया है, फिनिश। ओके, तो हैंडसेट जो है तो देख सकते हैं आप, इसका जो है तो लॉक जो है तो सक्सेसफुली हमने जो है तो हटा दिया है, आप देख सकते हैं। इसका जो तो ऑफ की हम दबाएंगे एक बार, ओके, ऑन करते हैं इसे एक बार, देखते हैं। ओके, लॉक देख सकते हैं, एफ आर पी लॉक इसका सक्सेसफुल हट गया है। आपको अगर से वीडियो अगर से पसंद अगर से आया होगा और तो क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताइए कि आपका जो एफ आर पी लॉक है तो हटा है या नहीं हटा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।